देश में जारी लॉकडाउन के दौरान आम जनजीवन भले ही प्रभावित हुआ हो, मगर इस लॉकडाउन के दौरान गंगा काफी हद तक स्वच्छ हो गई है। गंगा का पानी पूर्व की अपेक्षा अधिक साफ देखने को मिल रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की फैक्ट्रियों को बंद किया गया है, जिसकी वजह से गंगा में फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी अब गंगा में नहीं जा रहा है। लोग भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए गंगा में कूड़ा करकट भी नहीं देखा जा रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार गंगा लगभग 50% तक साफ हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कई साल में गंगा में इतनी सफाई नहीं देखी गई। गंगा अपने प्राकृतिक स्वरूप में वापस लौट रही है। जी, अपना नाम और पता बता। सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवानी दी। सुशांत जी, इसके पहले गंगा में कभी इतनी मछलियों को कभी देखा है आपने? देखिए, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आवागमन पूरी तरीके से बंद है। इस समय कोई नहीं आ रहा है और इस समय आप ये कह सकते हैं कि पिछले हम मेरा जन्म यहीं का है, मैं दशाश्वमेध घाट पे ही मेरा आवास भी है, मैं यहीं रहता हूँ। तो पिछले 28 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और जो पिछले 5 से 6 दिन में जो माँ गंगा का जल स्तर है वो भी बढ़ा है। गंगा जी का पानी बहुत साफ हो गया है और बढ़ते जल स्तर के कारण मछलियाँ भी काफ़ी हैं यहाँ पे गंगा जी में। और मतलब किस तरीके का बदलाव आपको गंगा में दिखा, क्या महसूस किया है अभी तक? देखिए, जब से ये बंद है सारी चीज़ें, कोई नाव नहीं चल रही है, कोई आ जा नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माँ गंगा की जो वो स्थिति है वो काफ़ी सुधार हुआ है उसमें, और काफ़ी साफ हो गया है पानी, काफ़ी साफ है गंगा जी का। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कोरोना महामारी जरूर है, लेकिन कुछ संभावनाएं भी लेकर के आई है। देर सवेर दुनिया इस मर्ज की दवा भी ठूंठ लेगी, लेकिन इसका एक तात्कालिक लाभ तो यह जरूर हुआ है कि पूरी दुनिया प्रकृति के साथ कदम ताल कैसे करेगी इस पर सोचने को विवश हुई। जो काम एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, उनके द्वारा दिए गए बार बार के आदेश, दिल्ली में गाड़ियों के आड इवेंट से भी प्रदूषण की समस्या जो हल नहीं हो रही थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने के बाद क्लाइमेट चेंज पर बड़ी बड़ी बैठकें, हजारों करोड़ रुपए के खर्चे जो काम नहीं कर पाए, आज 12 दिनों के लॉकडाउन ने इस देश में, पूरे देश के प्रत्येक नगरों में जो वायु प्रदूषण का इंडेक्स है वह भी बहुत अच्छे गुणवत्ता के स्तर पे जा पहुंचा है। इसके बाद नदियों का जल स्तर, उस जल में ऑक्सीजन का स्तर, और अब तो 5-5, 6-6 फीट की दूरी में मछलियां तैरती हुई साफ दिख रही हैं गंगा जी के पानी में। तो गंगा प्रदूषण पर जितना काम हम हजारों करोड़ खर्च करके सीवर और गंदे नालों को रोक करके नहीं कर पाए थे, उससे ज़्यादा काम तो इस लॉकडाउन ने कर दिया, इस औद्योगिक बंदी ने कर दिया। तो कहीं ऐसा नहीं लगता क्या कि हम प्रकृति के साथ कभी कभार अन्याय करते हैं तो प्रकृति हमसे बदला लेने के लिए उसी स्वरूप में आ जाती है? आइए हम प्रकृति के साथ कदम ताल चलें तो कोरोना क्या, दुनिया के किसी भी बड़ी से बड़ी महामारी पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक गंगा जल के प्रदूषण दूर होने की बात है, यह सच है कि गंगा का पानी साफ दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। आज जिस स्थान पर, जिस आश्रम में मैं रहता हूँ 16 वर्षों में, 2 दिन पहले पहली बार चहचहाती हुई चिड़िया हमारे कमरे में घुस आई थी। तो इस चिड़ियों का कलरव, उनका चहचहाना, जब मनुष्य, भारी मशीनें इनकी घरघराहट अपने शोर बंद करते हैं, तो इसमें हमें प्रकृति के स्वर, उनके शब्द ये सुनाई पड़ने लगते हैं। और इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में प्रकृति से सामीप्य बिठा करके हम इसका आनंद ले सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन से पहले प्रभाव क्या पड़ा इसको समझना होगा। तो लॉकडाउन से एक बात तो तय हो गई कि इंडस्ट्री बंद हो गई, और इंडस्ट्री का जहाँ तक हम बात करते हैं, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गंगा में जितना भी अवजल और मलजल गिरता है उसका आयतन के हिसाब से 10वां हिस्सा इंडस्ट्री का होता है। लेकिन अगर उसके सांद्रता की बात करिए या उसके बीओडी लोड की बात करिए तो वो 30% होता है।
कहने का मतलब अगर इंडस्ट्री बंद हुई तो 1/3 हिस्सा जो अवजल मलजल गंगा में गिर रहा था उसका 1/3 हिस्सा कम हो गया, एक कंसिडरेबल हुआ। दूसरा है गंगा के किनारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे उसमें भी डिफ्यूज पोल्यूशन होता है। कहने का मतलब हो सकता है मणिकर्णिका में पहले रोज 100 लाशें जलती हों लेकिन आज 20 ही जल रही होंगी। गंगा के किनारे जितने भी कूड़ा करकट फेंकने वाले जो टूरिज्म की एक्टिविटी थी वो भी शायद बंद हो गई है। तो कहने का मतलब केवल 5% होता है लेकिन 5% भी माने रखता है। तो 30% वो कम हुआ लोड, 5% ने कम हुआ, 35% लोड कम हुआ। जहाँ तक मलजल का संबंध है, मलजल में कोई कमी नहीं आई है, वो उसी तरह गिर रहा है। और मलजल के शोधन की क्षमता हमारे देश में केवल गंगा बेसिन में केवल आधी है। तो आधा शोधित होके जा रहा है, आधा बिना शोधन के। लेकिन ये स्थिति लॉकडाउन के पहले भी थी, लॉकडाउन के बाद भी। तो लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री का बंद होना, डिफ्यूज एक्टिविटी का बंद होना उसमें लोड को कम करता है। इसके साथ ही साथ गंगा कोई एक सिस्टम अकेला तो है नहीं, गंगा इंटरैक्ट करती है एटमॉस्फियर से। और आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ लें तो उस रिपोर्ट में क्लियर कट ये बात आएगी कि हमारा पर्यावरण भी साफ हुआ है, क्योंकि ट्रेन चलना बंद हो गई हैं, बस चलने बंद हो गए हैं, यातायात बंद हो गया है, हवाई जहाज़ चलना बंद हो गया। तो जितना उत्सर्जन होता था वो बंद हो गया, तो वो भी क्लीन हो गया। तो अब क्या होगा, गंगा कंटिन्यूअस इंटरैक्ट करती है। पहली बात, इसके पास भी लोड कम होगा, प्लस जो गैस ट्रांसफ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेती है और अपने अंदर की गंदी गैसेस को ऑक्सीजन ऊपर भेजती है। तो आप समझ सकते हैं वो भी अब ज़्यादा प्रभावी हो गया, इसीलिए गंगा में अब घुलित ऑक्सीजन की मात्रा पहले से ज़्यादा है। पहले 5 और 6 के रेंज में रहता था, वो 8 और 9 के रेंज में है। जो BOD गंगा का पहले 5 और 6 था लॉकडाउन के पहले, वो लॉकडाउन के बाद 2 और 2.5 के रेंज में आ गया। तो BOD का कम होना और DO का बढ़ना दोनों बताता है कि गंगा पहले से अच्छी हो गई। और उसके कई रीज़न हैं जो मैंने बताए, और बाकी आप जैसे पूछें हम आगे बताएंगे। यानी कि माना जाए कि गंगा में जो पहले की अपेक्षा पॉल्यूशन है वो लगभग 50% के दर से कम। हाँ, अगर पैरामीटर वाइज देखेंगे तो कुछ पैरामीटर 30% इम्प्रूव किया है, कुछ 40% इम्प्रूव किया है, कुछ में 50% की भी इम्प्रूवमेंट होते हैं। गंगा के जल की गुणवत्ता को बताने के लिए विभिन्न पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं DO क्या है, BOD क्या है, COD क्या है, TSS क्या है, TDS क्या है, उसमें नाइट्रेट की मात्रा क्या है, उसमें अमोनिकल नाइट्रोजन कैसा है। तो जैसे नाइट्रेट में भी कमी आई है क्योंकि इस समय खेती ज़्यादा हो नहीं रही है, तो खेती से जो आना था वो भी नहीं आ रहा है, या खेती से जो लीच करके अंडरग्राउंड वाटर जो है इंटरैक्ट करता है गंगा से वो भी नहीं आ रहा है। तो एक तरह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है और इसलिए हर पैरामीटर में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। बनारस में देखा जाए तो सर कई नाले जो हैं वो गंगा में गिरते हैं, बावजूद चूँकि ये घरेलू नाले होते हैं, घर की जो गंदगी होती है उन नालों से बहती है, बावजूद इसके गंगा साफ हुई है। देखिए, बनारस में 2-3 बड़ी बुरी स्थिति है। एक तो अपस्ट्रीम में 2-3 बड़े नाले हैं, एक आपका 80 नाला है जो 80 नदी थी कभी, तो उसे तो 60-70 MLD से ज़्यादा आपका मलजल जिसे कहते हैं सीवेज जा रहा है। उसके बाद सामने घाट जो जजेस का गेस्ट हाउस है उसके आसपास एक है, एक रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया का आ रहा है। तो अपस्ट्रीम में कोई भी नाला जब शहरों के होता है तो शहर में गंदगी क्रिएट करता है, तो वो स्थिति तो यथावत है। लेकिन चूंकि गंगा की शोधन क्षमता बढ़ गई है और डिस्टर्बेंसेज कम हो गए हैं। और दूसरा, मैं ये मान के चलता हूँ कि चूंकि लोग थोड़ा आराम से घर पर बैठे हैं तो जो सीवेज भी आ रहा है थोड़ा डाइल्यूटेड होगा, क्योंकि लोगों का स्थिर से नहाना धोना ये सब चल रहा होगा तो डाइल्यूशन होगा उसमें भी। तो असर तो है ही, उस असर को आप नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, वो बहुत ही गंदी चीज़ है अब स्ट्रीम में आना। भगवान करें कि जल्दी वो उसको टैपिंग की जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन फिर भी स्थिति बनारस में भी पहले से बेहतर है।